Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Pirates of the Caribbean and the Dead Man's Chest. ये समुद्री लुटेरों का दूसरा पार्ट है। कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के पोर्ट रॉयल शहर से, जहां हम देखते हैं ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के हेड कटलर बैकेट की एंट्री होती है। वो वहां पर दो डेथ वारंट लेकर आया होता है, जैक स्पैरो और एलिजाबेथ स्वान का। उसे देखकर विलियम टर्नर काफ़ी हैरान होता है और उसे पूछता है कि आखिर एलिजाबेथ ने किया क्या है, तुम इसे क्यों बंदी बना रहे हो। तभी कटलर बैकेट कहता है कि तुम लोगों ने एक पायरेट यानी कि एक समुद्री लुटेरे को छुड़वाने में मदद करी है, इसी वजह से इंग्लैंड के राजा तुम्हें फांसी की सज़ा देना चाहते हैं। अगर तुम इस फांसी की सज़ा से एलिजाबेथ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कटलर बैकेट विलियम टर्नर को एक छोटा सा काम सौंपता है। वो विलियम टर्नर से कहता है कि अगर तुम जैक स्पैरो से उसका कंपास मुझे लाकर दे सको तो मैं इस डेथ वारंट को चेंज कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक स्पैरो की एंट्री ब्लैक पर्ल पर होती है। वो वहाँ पर एक चाबी का नक्शा भी लेकर आया होता है और वो अपनी टीम के सभी साथियों से कहता है कि हमें इस चाबी को ढूंढना है जो कि एक संदूक को खोलेगी और उस संदूक में वो होगा जो हम सभी को मालामाल बना देगा। जैक स्पैरो अपने कंपास की मदद से उस चाबी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसका कंपास काम ही नहीं करता। नॉर्मली जैक स्पैरो का कंपास उसे वो सभी चीज़ें दिखाता है जिसकी उसे इच्छा होती है, मगर उस टाइम उसका कंपास काम नहीं कर रहा होता है। तो वो थोड़ी शराब पीने के लिए अपने नीचे बेसमेंट में जाता है और शराब की बोतल निकालता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बूटस्ट्रैप यानी कि बिल टर्नर बैठा होता है। काफ़ी साल पहले की बात है जब बिल टर्नर जैक स्पैरो के साथ ही काम किया करता था। बिल टर्नर जैक स्पैरो से आकर कहता है कि डेवी जोन्स तुम्हें ढूंढ रहा है। 12 साल पहले तुमने डेवी जोन्स से अपने मौत के बदले में यहाँ की कप्तानी का एक सौदा किया था और अब 12 साल पूरे हो चुके हैं। डेवी जोन्स तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर तुम बचना चाहते हो उस चाबी को ढूंढ लो ताकि तुम वो संदूक खोल सको। वहां से जाते जाते बूटस्ट्रैप जैक स्पैरो के हाथ में एक काला निशान दे देता है। ये काला निशान एक ट्रेसिंग सिंबल होता है जिसकी मदद से डेवी जोन्स जैक स्पैरो तक पहुंच सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं विलियम टर्नर जैक स्पैरो को ढूंढने के लिए टोटुगा शहर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि जैक स्पैरो किसी डेला मोंटेसा टापू पर है। काफ़ी दिन सफ़र करने के बाद में विलियम टर्नर डेला मोंटेसा टापू पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जैक स्पैरो वहां के कबीले का एक सरदार बन चुका है। कबीले के सभी लोग उसे एक राजा की तरह मानते हैं और उसके सारे हुक्म भी मानते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिजाबेथ स्वान बंदूक लेकर कटलर बैकेट के ऑफिस पहुँचती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। साथ ही उससे वो एक सौदा भी करती है कि अगर इस मौत के फरमान पर तुम अपनी मोहर लगा दो कि जैक स्पैरो नहीं मरेगा तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। कटलर बैकेट बिल्कुल सेम ऐसा ही करता है और वो मौत के फरमान पर अपनी एक मोहर लगा देता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आज से जैक स्पैरो को वो नहीं मारेगा और साथ ही एक जॉब पर भी रख लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेला मोंटेसा टापू के सभी लोग विलियम टर्नर को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर एक केज में बंद कर देते हैं। उस केज में जैक स्पैरो के पुराने साथी भी होते हैं। कैसे तैसे करके जैक स्पैरो के साथी और विलियम टर्नर वहां से निकलते हैं और जैक स्पैरो को बचाकर भी ब्लैक पर्ल जहाज पर ले आते हैं। सभी के जहाज पर आ जाने के बाद विलियम टर्नर जैक स्पैरो से कहता है कि मुझे तुम्हें कटलर बैकेट ने पोर्ट रॉयल में आने के लिए कहा है, साथ ही उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारा कंपास भी उसे दे दूं। तभी जैक स्पैरो कहता है कि उसे मेरे कंपास की जरूरत नहीं, उसे उस संदूक की जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमें उस संदूक को खोलने वाली चाबी की जरूरत है। उस चाबी को ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा टिया टेल्मा के पास में। तभी हम देखते हैं कि पूरा ब्लैक पर्ल जहाज जैक स्पैरो और विलियम टर्नर अपने सभी साथियों के साथ में टिया डेल्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें टिया डेल्मा मिल जाती है। टिया डेल्मा उन सभी से कहती है कि तुम यहां पर क्यों आए हो और अगर आए हो तो मेरे लिए मुआवजा क्या है। तभी वहां पर जैक स्पैरो अपना ना मरने वाला बंदर उसे गिफ्ट कर देता है और साथ ही उस चाबी की तस्वीर दिखाकर उसे कहता है कि मुझे इस चाबी के बारे में जानना है। तभी टिया डेल्मा बताती है कि ये काफ़ी साल पहले की बात है जब समुद्र में एक ही आदमी बचा था, उसका नाम है डेवी जोन्स और वो एक तरीके का सौदा करता है हर इंसान से, या तो जो मर गया है और या मरने वाला है। वो अपने सौदे में उनसे 100 साल की गुलामी कहता है। उस 100 साल की गुलामी के बदले तुम जो भी उससे मांगोगे वो तुम्हें दे देगा, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारा सौदा डेवी जोन्स के साथ में ख़त्म हो चुका है, तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो जैक स्पैरो टिया डेल्मा से अपने बचाव के लिए कहता है। तभी टिया डेल्मा उसे बताती है कि वो 10 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ज़मीन पर आ सकता है और वो हमेशा समुद्र में ही रहता है,
वो कभी ज़मीन पर अपने पैर नहीं रख सकता, इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने साथ ये रेत ले जाओ, ये तुम्हें जान से बचाएगी। उसी वक्त विलियम टर्नर उसका पता पूछता है, तो टिया डेलमा डेवी जोन्स का पता बताती है। वहाँ से ब्लैक पर्ल जहाज डेवी जोन्स के जहाज जिसका नाम होता है फ्लाइंग डचमैन की तलाश में निकलता है। काफ़ी सफ़र के बाद में उन्हें फ्लाइंग डचमैन जहाज मिल जाता है। जैक स्पैरो विलियम टर्नर से कहता है कि अगर कोई तुम्हें वहाँ पकड़ ले तो उन्हें कहना कि वो यहाँ पर जैक स्पैरो का कर्ज उतारने के लिए आया है। थोड़ी देर में हम देखते हैं काफ़ी चालाकी के साथ विलियम टर्नर फ्लाइंग डचमैन जहाज पर पहुँचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डेवी जोन्स से होती है। डेवी जोन्स उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो विलियम टर्नर कहता है कि मुझे जैक ने भेजा है, मुझे यहाँ पर भेजकर अपना कर्ज उतरवाना चाहता है। डेवी जोन्स उस पर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि डेवी जोन्स पानी का एक टाइप का देवता होता है, इसलिए वो झटके से ही अपने फ्लाइंग डचमैन जहाज से ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाता है और आकर जैक स्पैरो को पकड़ लेता है। जैक स्पैरो उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तो डेवी जोन्स उससे पूछता है कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारी कीमत तो 100 आदमियों के बराबर होनी चाहिए, तो इसलिए अब एक आदमी से मेरा कुछ भी नहीं होगा, तो मैं 3 दिन में मेरे पास में 100 आदमी लेकर आने होंगे। ये कहकर डेवी जोन्स अपने हाथ का श्राप जैक स्पैरो से निकाल देता है और उसे 3 दिन की मोहलत देता है ताकि वो उसके लिए 100 आदमियों का जुगाड़ कर लेकर आ सके। इसी के चलते जैक स्पैरो अपने साथी गिब्स के साथ में टोटूगा टापू पर पहुंचता है, जहां वो 100 आदमियों को जुटाने में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 आदमी मिलते हैं जिसमें से कॉमोडोर नॉरिंगटन भी शामिल होता है। टोटूगा टापू में उन्हें एलिजाबेथ स्वान भी मिलती है। जैक स्पैरो उसे भी अपने दल में शामिल कर लेता है, साथ ही उसे ये बताता है कि मेरा एक कंपस है जो कि अब काम नहीं कर रहा, नॉर्मली मुझे चाबी ढूंढनी है लेकिन वो चाबी उस डेवी जोन्स के पास में है, साथ ही डेवी जोन्स के पास में तुम्हारा मंगेतर यानी कि विलियम टर्नर भी है। अगर तुम विलियम टर्नर को बचाना चाहती हो तो इस कंपस को पकड़ो जिससे ये तुम्हारी मदद करेगा, ये कंपस हमेशा हमें हमारी इच्छाओं को दिखाता है, तुम्हें विलियम टर्नर की इच्छा है और मुझे उस चाबी की। तभी एलिजाबेथ स्वान उस कंपस को उठाती है तो वो उसको सही दिशा बताता है कि डेवी जोन्स का जहाज कहाँ है। दूसरी तरफ फ्लाइंग डचमैन जहाज पर हम देखते हैं कि विलियम टर्नर को अपने पिता विलियम टर्नर का पता चलता है, वो भी उस जहाज पर 12 सालों से कैद थे और अपनी गुलामी की सजा काट रहे थे डेवी जोन्स की वजह से। विलियम अपने पिता विलियम से पूछता है कि मुझे उस चाबी का पता कैसे लगेगा। तभी वहाँ दीवार से एक स्मिथ नाम का एक आदमी निकलता है और उसे कहता है कि डेवी जोन्स हमेशा उस चाबी को अपने पास रखता है, अगर तुम उस चाबी को पाना चाहते हो तो उसके बदले में तुम्हें कुछ बड़ा रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाज के नाविक एक छोटा सा गेम खेल रहे होते हैं जिसमें वो दाव पर अपनी ज़िंदगी के 10 साल या 15 साल लगाते हैं। उसी गेम को देखकर विलियम टर्नर वहाँ पर पहुँचता है और उनसे कहता है कि मैं भी ये गेम खेलूँगा। तभी वो नाविक पूछते हैं कि तुम्हारा दाव किसके खिलाफ है, तो वह नाम लेता है डेवी जोन्स। जैसे ही डेवी जोन्स अपना नाम सुनता है वो उस खेल को खेलने के लिए वहाँ पर आ जाता है। दोनों में शर्त लगती है और दोनों पूछते हैं कि आपस में कौन क्या क्या लगा रहा है। तभी वहाँ पर विलियम टर्नर डेवी जोन्स से कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाएगा। विलियम टर्नर डेवी जोन्स से कहता है कि अगर तुम इस खेल को मेरे साथ खेलना चाहते हो तो तुम्हें वो चाबी दाव पर लगानी पड़ेगी जिसकी मुझे ज़रूरत है। पहले तो डेवी जोन्स सोचता है कि वो ये खेल खेले या नहीं खेले, लेकिन आखिरकार वो इस खेल में बैठ ही जाता है। दोनों में आपस में दाव लगते हैं और वो अपने अपने पासे खोल कर देखते हैं। तभी वहाँ पर विलियम टर्नर को पता चलता है कि उसके पासों में कम दाव है। तभी वहाँ पर बूटस्ट्रैप भी आ जाता है और अपने दावों को लगाकर बैठकर खेलने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके दाव भी कम लगे हैं। तभी डेवी जोन्स को लगता है कि ये दोनों चीटिंग कर रहे हैं और वो उनके पास से खोलकर देख लेता है। तभी उसे पता चलता है कि इनकी चीटिंग मेरे ऊपर नहीं चलेगी और वो इस खेल को वहीं बीच में छोड़कर वहाँ से उठ जाता है। रात को बूटस्ट्रैप और विलियम टर्नर दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि उसे उस चाबी की ज़रूरत है ताकि वो संदूक को खोल पाए। तभी बूटस्ट्रैप उसे कहता है, मैं इन जहाज के नाविकों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम जाकर उस डेवी जोन्स से उसकी चाबी खींच ले आओ। विलियम टर्नर चुपके से डेवी जोन्स के कमरे में जाता है और चालाकी से उसके बड़े बड़े सूंडों में से उसकी चाबी को निकाल ले आता है। अगली सुबह हमें पता चलता है डेवी जोन्स की चाबियों की जगह पर वहाँ पर चाबियों का नक्शा रखा होता है। डेवी जोन्स इससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सभी जहाज के नाविकों को कहता है कि फटाफट से इलाकूसा टापू पर चलो जहाँ पर वो संदूक पड़ा है, हमें उसकी सुरक्षा की ज़्यादा जिम्मेदारी है। उसी वक्त हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जहाज इलाकूसा टापू की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिजाबेथ स्वान के पास में जो कंपस होता है वो विलियम टर्नर की ओर इशारा करता है, क्योंकि विलियम टर्नर उस जहाज पर होता है और वो इलाकूसा टापू पर जाते हैं, इसलिए एलिजाबेथ जैक स्पैरो के साथ में इलाकूसा टापू पर पहुँचते हैं।
क्योंकि ब्लैक पर्ल जहाज समुद्र का सबसे तेज चलने वाला जहाज होता है। इसी वजह से एलिजाबेथ और जैक स्पैरो उस इलाकुसे टापू पर सबसे पहले पहुंचते हैं और जाकर उस संदूक को ढूंढने लगते हैं। तभी वहां पर विलियम टर्नर आ जाता है। जैक स्पैरो, विलियम टर्नर और साथ ही कॉमोडोर नॉरिंगटन, उन तीनों के बीच में उस संदूक को लेकर लड़ाई होती है। नॉरिंगटन चाहता है कि कटलर बैकेट को वो इस संदूक को पहुंचा दे और अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा ले। वहीं पर जैक स्पैरो उस संदूक को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो डेवी जोन से अपनी जिंदगी वापस से मांग सकें। उसी वक्त विलियम टर्नर उस संदूक को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो अपने पापा की रिहाई करवा सके उस डेवी जोन्स के जहाज की गुलामी से। तीनों में आपस में काफ़ी एक शानदार तलवार की लड़ाई होती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर 10 साल पूरे हो चुके होते हैं डेवी जोन्स के, और वो अपने सभी नाविकों को संदूक को वापस लाने के लिए उन्हें इलाकुसा टापू पर भेजता है। उसी वक्त हम देखते हैं जैक स्पैरो संदूक को लेकर वहाँ से भाग जाता है और चाबी से उस संदूक को खोलकर उसमें से डेवी जोन्स का दिल निकालकर अपने रेत के बर्तन में उसे डाल देता है। वहाँ से जैक स्पैरो भागने की कोशिश करता है लेकिन नॉरिंगटन वहाँ पर उसे आकर रोक देता है। जब उन दोनों की लड़ाई चल रही होती है तब नॉरिंगटन उस रेत के बर्तन को खोल के उसमें से दिल निकाल कर अपने पास रख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जैक स्पैरो विलियम टर्नर के साथ में एलिजाबेथ के साथ ब्लैक पर्ल जहाज पर पहुंचता है। डेवी जोन्स का दिल चुराए जाने पर डेवी जोन्स काफी गुस्सा होता है और वो समुद्र के राक्षस क्रैकन को उनके पीछे छोड़ देता है। क्रैकन को आता देखकर ब्लैक पर्ल के सभी नाविक वहां से एक बड़ी नाव में निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन जैक स्पैरो वहीं पर रह जाता है और जैक स्पैरो कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, इसको यहाँ से मैं देखूंगा। उसी वक्त हम देखते हैं एक बड़ा सा जानवर जिसका नाम क्रैकन है वो आकर ब्लैक पर्ल पर हमला कर देता है, पूरे ब्लैक पर्ल जहाज को तोड़ देता है और साथ ही जैक स्पैरो को खा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉमोडोर नॉरिंगटन उस डेवी जोन्स के दिल को लेकर के कटलर बैकेट के पास पहुंचता है। तभी हम देखते हैं ब्लैक पर्ल के सभी नावी जहाजी वापस से टिया डेल्मा के पास पहुंचते हैं और उसे ये बताते हैं कि इस जंग में जैक स्पैरो ने अपनी जान गंवा दी है, मगर हमें उसकी कमी काफ़ी खल रही है, क्या कर सकती हो आप उसे बचाने के लिए। तभी वहाँ पर टिया डेल्मा उनसे कहती है कि तुम्हें मौत के अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा जैक स्पैरो को बचाने के लिए, मगर उस मौत के अंतिम छोर तक जाने के लिए तुम्हें एक नाविक की ज़रूरत पड़ेगी, एक कप्तान की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर इस मूवी के पुराने विलन यानी कि हेक्टर बारबोसा की एंट्री होती है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस मूवी का थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।